तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि उस मोमेंट को कैसे कैलकुलेट करें जो फोर्सेस प्रोड्यूस करते हैं, जो भी फोर्सेस उस रेडियस को परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो इसका मानना ये है कि मान लीजिए ये कोई तो ऐसा स्टेक है, ठीक है, ऐसा कोई ना कोई तो ऐसा डंडा है जो डंडे को मैंने एक हिंज पे लगाया हुआ है। अभी ये जो डंडा है वो इस हिंज के अराउंड मूव कर सकता है ऐसे, ठीक है, सर्कुलर मोशन में। तो अगर इस डंडे के परपेंडिकुलर अगर फोर्स लगता है कोई भी फोर्स एफ और इस डंडे की लेंथ है एल, तो इस पे मोमेंट कितना लगेगा ये आपको ढूंढना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, अभी देखिए ये फोर्स मैंने क्या बोला, अभी ये फोर्स ये परपेंडिकुलर है डंडे के लेंथ को, मतलब रेडियस को। रेडियस क्यों बोला, क्योंकि अगर ये फोर्स इस पे टॉर्क लगाता है, अगर फोर्स ये मोमेंट लगाता है तो ये डंडा सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, ऐसे मोशन करने वाला है वो, तो उस सर्कुलर मोशन की रेडियस क्या रहेगी, रेडियस रहेगी ये डंडा और उस डंडे की लेंथ, बराबर। तो जैसे कि मैंने बोला कि फोर्सेस परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो इसका मोमेंट कितना आएगा, ये फोर्स ने इस हिंज के अबाउट, मान लीजिए इस हिंज का नाम मेरा ओ है और ये पॉइंट है ए जिस पॉइंट पे आपका फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है, तो अगर इस फोर्स ने कितना मोमेंट इस पॉइंट ओ के अबाउट लगाया वो हमें अगर ढूंढना होगा तो हम कैसे ढूंढेंगे, तो वो लिखेंगे अपन एम ओ की मोमेंट एट ओ इज इक्वल टू, अगर मैं क्लॉकवाइज को, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज को, क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव लेता हूं तो एंटी क्लॉकवाइज अपना नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका निकालता हूं तो ये कैसे ढूंढ, कैसे घूम रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए एफ इंटू एल, तो आप एफ इंटू एल कर दो, एफ एल कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा ये। ठीक है, तो यही था ये इसमें। और मैं लास्ट वीडियो में बोलना भूल गया कि साइन कन्वेंशन कैसे है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज को, एंटी क्लॉकवाइज को आप नेगेटिव मान लो और क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव मान लो। ठीक है, अगर कोई फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट लगा रहा है आपके हिंज पे या फिर कोई भी पॉइंट पे तो उसको आप क्लॉकवाइज मान लीजिए, और कोई अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो उसको नेगेटिव मान लीजिए। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव या फिर क्लॉकवाइज को नेगेटिव, तो वो आपके ऊपर है सब कुछ। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही था कि अगर कोई भी फोर्स, इस वीडियो का तात्पर्य ऐसा है, अगर कोई भी फोर्स अगर किसी भी रेडियस को परपेंडिकुलर है किसी भी हिंज के अबाउट, मतलब ये हिंज था और ये रेडियस थी और ये फोर्स उस रेडियस को परपेंडिकुलर है, तो अगर आपको इस फोर्स ने इस हिंज पे कितना मोमेंट लगाया, कितना टॉर्क लगाया, अगर ये आपको फाइंड आउट करना है तो जस्ट आप उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को उस रेडियस को, रेडियस के मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा ये चीज। ठीक है, और उस पर साइन लगा दीजिए जो भी आपका साइन कन्वेंशन होगा उस तरह से। यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है इसलिए मैंने एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव माना था, इसलिए मैंने उसको नेगेटिव एफ एल लग दिया। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया हो, बस इतना ही था इस वीडियो में कि ये फोर्स उसको परपेंडिकुलर है उस रेडियस को, तो कैसे लेंगे अपन उसका ये मोमेंट, जस्ट फोर्स इंटू लेंथ कर दीजिए, रेडियस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं नोट भी लिख देता हूं। तो यहां पर मैंने नोट लिखी हुई है कि नोट ऐसी है कि इफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस देन मोमेंट अबाउट हिंज विल बी जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड रेडियस विथ प्रॉपर साइन। अगर फोर्स आपका रेडियस को परपेंडिकुलर है तो आपका जो मोमेंट होगा ओ के अबाउट या फिर हिंज के अबाउट या फिर सेंटर के अबाउट, वो जस्ट उन दोनों का प्रोडक्ट होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू लेंथ का मैग्नीट्यूड का जो भी होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट वही होगा, और उसको आप प्रॉपर साइन लगा दीजिए आपके साइन कन्वेंशन के अबाउट। ठीक है, अभी मैंने साइन कन्वेंशन ये फॉलो किया है तो इसके अबाउ, इसके अकॉर्डिंग मैंने यहां पर साइन लगा दिया। ठीक है, तो यही था अभी। इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको समझ में आया होगा तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज, इंजीनियर्स इनर्शिया। और ये जो प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी मैकेनिक्स के ऊपर की, वो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्लेलिस्ट से फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।